नमस्कार दोस्तों, मैं जीतूराज और आप देख रहे हैं सिंपल ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे। और आज का अपना टॉपिक है हम फेल क्यों है। देखिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है और बहुत कुछ जानना पड़ता है। एक और बात बोलना चाहूँगा, लाइफ में पीछे जाने का कोई बड़ा कारण नहीं है। आपको जब बताया जाएगा कि इस वजह से आप पीछे जा रहे हो तो आप ताज्जुब खाएंगे और सोचेंगे, यार हमने अपने लाइफ को कहाँ ला कर रख दिया। तो देखिए, जिस बात पे हमको ध्यान देना चाहिए उस बात पे तो हम ध्यान देते नहीं हैं, और ना जाने कितने प्रकार के क्या क्या चीज़ें अपने लाइफ में करते हैं आगे जाने के लिए, लेकिन उसका रिजल्ट बेहतर नहीं मिलता है। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वो कौन सा चीज़ है। और ये वीडियो कुछ मिनट का होगा, इसको फुल वॉच कीजिएगा, जिससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हालांकि मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, तो आइए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो सही टाइम पे सही काम कीजिए, और जो सही टाइम पर सही काम करता है वो बहुत ही आगे जाता है और अपने लाइफ को बेहतर कर पाता है। जिस छोटी छोटी बातों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, आइए वो जानते हैं वो कौन सी बातें हैं। आपका ग्रोथ तब तक नहीं होगा जब तक आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप ही वो शख्स हो जो अपना ग्रोथ कर सकते हो, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले तो अपना पैसे की सही इस्तेमाल कीजिए। सही इस्तेमाल बोले तो कुछ चीज़ों को सीखिए, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपको कुछ नॉलेज मिले, जानकारी मिले, ताकि आप अपना लाइफ आगे बढ़ा सकें। और दूसरी बात ये मैं बोलना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें जैसे कि पान, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, अनेक प्रकार के नशा पदार्थ है, वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि हमारा पैसा वेस्ट कहाँ हो रहा है। वीडियो देख को आपको एहसास होगा कि वाकई में हम अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, यार कुछ अलग करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले कि आप पान, बीड़ी, गुटखा, जित दारू, शराब, जो भी है ये नशा पदार्थ, इससे आप दूरी बना कर रखिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी, और इन चीज़ों की वजह से आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकते। तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहिएगा। तो आपका ग्रोथ आप ही है, आपका नॉलेज, आपका स्किल। तो आप जो भी पैसा कमाते हैं, मैं चाहूँगा कि इसको अच्छे चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। वेस्ट कीजिएगा तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, और जब आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते तो फिर लाइफ का जीने का कोई मतलब ही नहीं है यार। तो देखिए, ये पान, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और जितने भी नशा वाला पदार्थ है, इससे दूरी बनाइए। और जो पैसा उधर आप पान, सिगरेट, बीड़ी, दारू में करते हैं, वो पैसा को कहीं और इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कुछ सीखने में लगाइए, कुछ और कीजिए। अगर आप डेली का नॉर्मल बोलते हैं लोग पैसा नहीं है, मुझे तो हंसी आता है कि पैसा नहीं है, लेकिन मुझे मैं देखता हूँ कि जहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ पैसा लगाना चाहिए, वहाँ लोग नहीं लगाते हैं, और जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही उसमें अपना पैसा वेस्ट कर जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, पान, बीड़ी, सिगरेट आपको कुछ देने वाला नहीं है, उस पैसे की आप कहीं लगाइए और उसका बेहतर परिणाम मिलेगा आपको, लाइफ आपका बेटर होगा, हर चीज़ आपका बेटर होगा, लेकिन आप चाहिएगा तो। ऐसे नहीं कि हाँ कोई और चाहेगा, आपका ग्रोथ कोई नहीं चाहता है, आपको खुद करना पड़ता है। तो आप ये चीज़ जितना जल्द समझ लेंगे, आपके लाइफ में ग्रोथ उतना जल्दी आ जाएगा, क्योंकि आप ही हो वो शख्स जो आप अपना ग्रोथ कर सकते हैं।
ज़्यादा मैं बड़ा टारगेट नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ 5 रुपये का बात कर रहा हूँ। हालांकि इससे भी ज़्यादा लोग डेली का गुटखा, पान, सिगरेट और दारू में खर्चा करते हैं, तो नॉर्मल हम 5 रुपये के हिसाब जोड़ते हैं। तो 5 रुपये के हिसाब से महीना का 30-35 150 होता है। तो 150 रुपये अगर आप किसी, अगर पान गुटखा छोड़कर आप किसी अच्छे कामों में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और दे सकता नहीं, मैं पूरा श्योर हूँ कि आप अगर महीने का 150 रुपया किसी चीज़ में अगर सीख रहे हैं और लगा रहे हैं तब आने वाले दिन में आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये सत्य है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आप जो पान, बीड़ी, गुटखा खाते हैं उससे आपको 1 रुपये मिलने वाला नहीं है, जहाँ तक आपको बुरे दिन उसके वजह से आपको देखना पड़ सकता है, और पड़ सकता ही नहीं, पड़ेगा, ये श्योर है, क्योंकि बुरे कामों का बुरा नतीजा ही होता है। तो आप सब अपने पैसे को सबसे पहले सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए और सही जगह पर लगाइए, और आपका विकास आप ही कर सकते हो, क्योंकि दूसरा कोई नहीं कर सकता है। जब तक आप अपना विकास नहीं करेंगे तब तक आपका विकास कोई और नहीं कर सकता है, ये सत्य है। और इस बात को आप जितना जल्द हो सके एक्सेप्ट कर ले, यानी कि स्वीकार कर ले, तो बेहतर होगा। इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, आगे और आने वाले वीडियो में हम बहुत सारे चीज़ों पर बात करेंगे। तो मेरा बात आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।